आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है, जिसके चलते सभी लघु दीर्घ दल अपनी चुनावी रणनीति आखने में लगे हुए हैं। उसी के बीच अब विदर्भ में नए राजनीतिक समीकरण का आगाज हो चुका है, जहां नागपुर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के मौजूदगी में भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके कारण शहर में BRS के झंडे और बैनर लगाए गए हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता। दर्शकों, देश की राजनीति में नया इक्वेशन बनने जा रहा है, नया राजनीतिक समीकरण बनने जा रहा है। KCR के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में भारत राष्ट्र समिति का पहला कार्यालय, विदर्भ का पहला कार्यालय महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में उद्घाटित होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसी के प्रत्युत्तर के स्वरूप में अब की बार किसान सरकार का नारा भारत राष्ट्र समिति ने दिया है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं बैनर लगे हुए हैं नागपुर नगरी में, जो कि 2014 के बाद बेहद बड़ा पॉलिटिकल हब इसे माना जाता है, क्योंकि यहाँ संघ का कार्यालय है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में संघ का बहुत बड़ा हाथ है, संघ की विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा कथित तौर पर माना जाता है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं बैनर लगा हुआ है नागपुर नगरी में, KCR के नेतृत्व में आज उद्घाटन होने जा रहा है। के चंद्रशेखर राव, जो कि तेलंगाना के विद्यमान मुख्यमंत्री है और संस्थापक है भारत राष्ट्र समिति के, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन, कुछ ही समय, कुछ ही महीने बाकी है, और इसी के बीच KCR के समर्थन में भारत राष्ट्र समिति का यहाँ महाराष्ट्र में आना कहीं ना कहीं देश की राजनीति में नया समीकरण बनाने जा रहा है। तो दर्शकों, देखते हैं आगे चलकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBCN न्यूज के लिए नागपुर।